गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, चैप्टर नंबर 7, ए क्लेवर ट्रिक ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की चाला, योजना या चतुर चाल। हाउ एल्गियर्स वॉज सेव, कैसे जो है एल्जीरियस जो है उसको सेव किया गया था। अल्जीरियस जो है किस देश की राजधानी है? अल्जीरिया की राजधानी है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है अल्जीरिया देश की राजधानी अल्जीरियस है, जो कि कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है। लेट मी स्टार्ट अवर बुक रीडिंग, पेज नंबर 40। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ ग्रेट फाइट बिटवीन अल्जीरिया एंड अनदर कंट्री द लॉन्ग पास्ट ईयर्स। ये जो है बहुत पहले समय की कहानी है। अल्जीरिया और अन्य देशों के बीच में क्या हो रहा था? संघर्ष हो रहा था, है ना, या फिर लड़ाई हो रही थी। उनके लड़ाई की जो कहानी है यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। ए फायर्स बैटल वॉज गोइंग ऑन, और बहुत ही ज़्यादा भयंकर क्या चल रही थी? लड़ाई चल रही थी, ठीक है। फायर्स मीन्स भयंकर और बैटल मीन्स लड़ाई चल रही थी। अल्जीरियस इज द कैपिटल, अल्जीरिया, अल्जीरियस जो है अल्जीरिया की क्या है? राजधानी है। द पीपल ऑफ अल्जीरियस अल्जीरियस वर शट अप इन द टाउन एंड कुड नॉट एस्केप बिकॉज देयर एनिमीज वर इन द विलेज ऑल अराउंड देम। और क्या हुआ था? अल्जीरिया वासी जो हैं, अल्जीरियस जो हैं, अल्जीरिया वासी हो गए ना, उन्होंने क्या कर लिया था? चारों तरफ से वो लोग घिरे हुए थे और वो कहीं बचकर वहाँ से भाग नहीं सकते थे। तो शत्रुओं ने जो है उनके चारों तरफ से उनके गांव को जो है घेर लिया था। तो इसलिए उन लोगों ने क्या कर लिया था? अपने गेट का जो दरवाज़ा है, मेन जो गेट था उनके गांव का, जो राजधानी का, उसको उन्होंने क्लोज कर लिया था। चारों तरफ से जो दुश्मन है, दुश्मनों ने उनको घेर लिया था। फोर मैनी मंथ्स द पीपल ऑफ द टाउन हैड अ स्टे इनसाइड द टाउन। और इसीलिए जब शत्रुओं ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था, वो कहीं बच के नहीं जा सकते थे, तो इसलिए जो कस्बेवासी थे उनको काफ़ी दिनों तक, काफ़ी कई महीनों तक उन लोगों को, है ना, वहाँ पे अंदर ही क्या करना पड़ा था? ठहरना पड़ा था, स्टे इनसाइड द टाउन। So there was a great scarcity of food because all the food was eaten up and they could get no more food. और क्या हुआ था कि अब जब घर में ही रहेंगे, बाहर से कहीं से भोजन नहीं आएगा, तो इसके कारण जो है उन लोगों ने क्या हुआ था कि सारा भोजन उन लोगों ने खा लिया था, मतलब भोजन की क्या हो गई थी? बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, क्योंकि भोजन तो वो लोग खा चुके थे। They had to kill all their animals because they had no wheat or rice to feed them. उन लोगों ने जानवरों को मार दिया था। क्यों मार दिया था? क्योंकि उनके पास ना तो गेहूँ था ना चावल थे उनको खिलाने के लिए। After a few days, the scarcity reached the stage when there was food for the people also. और कुछ दिनों के बाद बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद तक बात पहुंच जाती है ना कि भोजन बिल्कुल ही नहीं था, जब वो बिल्कुल ही भूखे मरने लग गए थे, है ना, बिल्कुल ही भोजन नहीं था। तो क्या हुआ? एट लास्ट देयर वॉज फूड
फॉर द पीपल ऑल्सो, जब बिल्कुल ही भोजन नहीं था तो लास्ट स्टेज आ चुकी थी उन लोगों की, बिल्कुल ही भोजन नहीं है तो वो लोग क्या होंगे, भोजन से भूखे मर जाएंगे एट लास्ट। और अंत में क्या हुआ था, द मेयर ऑफ द टाउन सेड, जो टाउन का जो कस्बे का जो मुखिया था या महापौर जो था, वी कैन फाइट एनी मोर, वी कांट, ठीक है, हम लोग और ज़्यादा नहीं लड़ सकते अब, है ना, भूख से और ज़्यादा नहीं लड़ सकते, वी हैव नो फूड, हमारे पास कोई भी भोजन नहीं है। नो वन कैन गेट आउट ऑफ द टाउन टू फाइंड फूड बिकॉज द एनिमी इज ऑल अराउंड अस, और हम जो हैं भोजन को प्राप्त ही कर सकते हैं। क्यों प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम टाउन से बाहर नहीं जा सकते हैं, कस्बे से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ कौन है, दुश्मन है, और दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से हमारे शहर को घेरा हुआ है, हम अपने शहर से बाहर नहीं जा सकते। वी हैव नो मिल्क, हमारे पास दूध भी नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो शत्रु हैं, बिकॉज द एनिमी इज ऑल अराउंड अस, शत्रुओं ने हमारे शहर को चारों तरफ से घेर रखा है। वी हैव नो मिल्क, हमारे पास दूध नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ काउज हैव बीन किल्ड, हमारे पास दूध भी नहीं है क्योंकि सारी जो गायें हैं वो मारी जा चुकी है। वी कांट लिव विदाउट फूड एंड मिल्क, हम लोग जी नहीं सकते हैं बिना दूध के और बिना भोजन के। मस्ट टू गो द एनिमी एंड टेल देम टू कम इन टू द टाउन, और किसी को क्या जाना चाहिए, शत्रु के पास जाना चाहिए, और हमें शहर में प्रवेश के लिए उनको कहना चाहिए। समवन मस्ट गो टू द एनिमी, शत्रु के पास जाना चाहिए, एंड टेल देम टू कम इन टू द टाउन, और उनसे क्या बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि हमें शहर के बाहर जो है प्रवेश करने दिया जाए, जिससे हम लोग कुछ जो है भोजन ला सके। द पीपल वर वेरी अनहैप्पी, जो लोग जो हैं वो क्या थे, बड़े दुखी थे। द एनिमी विल किल अस और पुट अस इन प्रिजन, दे सैड, और उन्होंने कहा दुश्मन हमारा क्या कर देंगे, वध कर देंगे और कारागार में डाल देंगे, उन्होंने कहा। यस सैड द मेयर, हाँ मेयर ने कहा, बट वॉट कैन वी डू, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, इट इज़ बेटर टू लिव इन प्रिजन देन टू डाई हियर, यहाँ मरने से अच्छा है कि हम लोग जाके कारागार में रह लेंगे, वहाँ पे कारागार में पड़े रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे मरने से अच्छा है कि हम कारागार में पड़े रहेंगे। वी शेल ऑल डाई फॉर वॉन्ट ऑफ फूड, अगर हमें भोजन नहीं मिला तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे। देयर वॉज अ लिटल गर्ल, और वहाँ पे क्या थी, एक छोटी लड़की थी, इन अल्जीरियस कॉल्ड नीलूफा, अल्जीरियस में जो है एक छोटी लड़की थी जिसका नाम क्या था, नीलूफा था, क्या बोलते थे उसे, नीलूफा बोलते थे, नीलूफा, शी वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, वो ओनली कितने साल की थी, 14 साल की थी। सी गैदर्ड करेज एंड वेंट टू द मेयर, और वो उसने अपना साहस जुटाया और किसके पास गई, महापौर के पास गई, या फिर किसके पास गई, मुखिया के पास गई। शी सैड, उसने कहा, हैव ऑल द एनिमल्स बीन किल्ड, उसने कहा छोटी लड़की ने कि जितने भी एनिमल हैं सब मारे जा चुके हैं, उनका वध हो गया है। कैन यू फाइंड मी वन स्मॉल कॉफ,
क्या आप जो है छोटा बछड़ा मुझे ला के दे सकते हैं? सारे जानवर मारे गए हैं, लेकिन क्या आप मुझे एक छोटा बच्चा ला के, बछड़ा ला के दे सकते हैं? द मायर मेयर टोल्ड द पीपल टू लुक एवरीवेयर, जो आई वॉन्ट टू अ स्मॉल काफ, ही सेड, उसने कहा, नगर के जो प्रमुख थे उन्हें हर जगह खोजने के बाद कहा, उसने कहा मुझे एक नन्ना बछड़ा चाहिए। उन्होंने जो नगर का जो प्रमुख था उसने लोगों से हर जगह जो छोटा बछड़ा था उसको ढूंढने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि मुझे ना एक छोटा नन्ना बछड़ा चाहिए। द पीपल लुक्ड एवरीवेयर इन द टाउन, जो लोग थे उन्होंने कस्बे में हर जगह खोजा। दे सर्च फॉर अ काफ इन ऑल द गार्डन्स एंड एट लास्ट दे फाउंड ए मैन हु हैड ए स्मॉल वाइट काफ। और लास्ट में क्या हुआ, अंत में उन्होंने सारी जगह क्या किया था, बछड़े को खोज की, बागों में देखा, अंत में एक आदमी के पास जो है छोटा बछड़ा, सफ़ेद कलर का बछड़ा उन्हें मिला। द मैन लव्ड हिज काफ वेरी मच सो ही हैड नॉट किल्ड इट दैट व्हेन ऑल द अदर एनिमल्स हैड बीन किल्ड। और जो जिसका भी वो व्यक्ति का वो था काफ बछड़ा जो जिसका था वो उसको बहुत प्यार करता था और उनको वो मारना नहीं चाहता था, दैट एनिमल्स हैड बीन किल्ड, है ना, और बाकी जो थे उन्होंने अपने अपने पशुओं की हत्या कर दी थी। द पीपल टुक द काफ टू द मेयर एंड ही सेड टू नीलूफा, और जो लोग थे उसको मेयर के पास लेके गए और नीलूफा से कहा, हेयर इज द काफ यू रिक्वायर्ड, तुम्हें एक काफ चाहिए था और ये रहा वो। नाउ डू वॉट यू वॉन्ट टू डू विद इट, अब तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो, ठीक है, वह करो, जो भी तुम्हें करना है वो तुम इसके साथ करो। आई वॉन्ट सम राइस एंड सम वीट, सेड नीलूफा, अब नीलूफा ने कहा कि मुझे थोड़े चावल और मुझे थोड़े गेहूँ चाहिए। द मेयर टोल्ड द पीपल टू लुक एवरीवेयर फॉर अ लिटिल राइस एंड वीट, और फिर जो मेयर था उसने लोगों से हर जगह जो है थोड़े से चावल मुट्ठी भर और थोड़े से गेहूँ ढूंढने के लिए कहा। देयर इज नो फूड एनीवेयर, कहीं पे भी भोजन नहीं था। द पीपल क्राइड, लोग चिल्लाए, बट द मेयर इंसिस्टेड, लेकिन जो मेयर था उसने दबाव डाला, लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास भोजन तो है ही नहीं, तो मैं चावल और गेहूँ कहाँ से ला के दूंगा। यू मस्ट फाइंड अ लिटिल फ्रॉम एनीवेयर, तुम जरूर सारे में कहीं पे भी थोड़े से चावल और थोड़े से जो गेहूँ हैं वो मुझे ढूंढ के ला के दो। ओके बच्चों, सो से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके, जितना मैंने पढ़ाया उसको पढ़ना और साथ में हिंदी करना। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।